उज्जैन के थाना नीलगंगा क्षेत्र अंतर्गत गौ तस्करी करते तीन आरोपियों को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दबोच कर पुलिस के हवाले किया है। तस्कर सावर रोड स्थित स्वर्ग सुंदरम टॉकीज के पीछे दो गाड़ियों में 20 गायों को लेकर जा रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गायों को सुरक्षित स्थान पहुंचाकर आरोपियों को हिरासत में लिया। सरकारी जमीन पर पिछले कई दिनों से गौ तस्करी का कार्य किया जा रहा था। पूर्व में भी इसकी सूचना बजरंग दल को मिली थी, लेकिन इन्होंने समय व जगह परिवर्तित कर दिया था। आरोपी घटिया तहसील से गाय लेकर आते हैं और दोपहर में यहां बांध देते हैं। रात होते ही गाड़ी में भरकर ले जाते हैं। नगर में ऐसा है कि टावर चौराहा जो शहर का मध्य केंद्र है, उससे 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर जो यहाँ पर स्वर्ग सुंदर अपार्टमेंट है, वहाँ पर सरकारी जमीन पर बहुत लंबे समय से गौ तस्करी का कार्य किया जा रहा है। क्योंकि पूर्व में भी सूचना मिली और हम लोगों ने प्रयास करा कि इन गौ तस्करों को पकड़ पाए, लेकिन इनको कहीं से सूचना मिलने के कारण इन्होंने अपने स्थान को या तो परिवर्तित कर दिया, समय परिवर्तित कर दिया, जिसके कारण ये पकड़ में नहीं आ पा रहे थे। आज इन्होंने यहाँ पर इनका सिस्टम ये रहता है कि दोपहर में गाय को लेकर आते हैं, यहाँ पर लाके बांध देते हैं। आसपास के रहवासियों द्वारा पता चला और रात में 2-2.5 बजे के आसपास ये गाय की गाड़ी में, मतलब ये गाड़ियाँ खड़ी रहती, गाड़ियों में भर के और ये चले जाते हैं। अगले दिन गाय नहीं दिखती है। अभी प्रशासन को सूचना करी थी, प्रशासन आया, प्रशासन ने 3 लोगों को ले जाकर थाने लेकर गए हैं और जो दो गाड़ियां जब्त करी है। प्रशासन से मांग करते हैं कि इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई हो और दूसरा, जिस तरीके से अवैध कार्य करने वालों के घर मकान को तोड़ा जा रहा है, वैसी तरीके से गाय माता को काटने वालों के घर मकानों को भी तोड़ा जाए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपील की है कि सभी पर रासुका के तहत कार्रवाई हो व इनके मकानों को जमींदोज किया जाए। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।